बोल भाई साहब, आज आपने निरीक्षण किया और चंबल के हालात रौद्र रूप लेते जा रहे हैं। करीब 10 गांव जिससे आवागमन बंद है, 40 गांव प्रभावित है। क्या कुछ निरीक्षण में आपने पाया और क्या कुछ दिशा निर्देश आके हमारी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस ऑफिसर से बात हो रही है। DMSP लगातार टच में है, कमिश्नर साहब से भी हम लोग बात कर ही रहे हैं लगातार, और चारों सभी जिलों के आसपास सभी जगह के हालात भी ले रहे हैं कि कहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ हम लोगों को इंटरवीन करने की आवश्यकता है। फिलहाल आज मैं खुद इसीलिए आया था कि कल जब DM SSP आए थे तो उनसे बात हुई, तो अभी कोई ऐसी बहुत स्थिति गंभीर नहीं है जिसमें लोगों को पलायन करना पड़े या अपनी चीज़ों को छोड़ना पड़े, क्योंकि कई लोग यहाँ 2 घर बनाते हैं, एक नदी के पाट के पास होता है, एक उनका गांव में घर होता है, तो कुछ लोग ज़रूर अपने घरों में गए हैं। 1-2 गांवों में, जैसे बीच का पूरा है, मनसुखपुरा का 1-2 गांव है, यहाँ पर ज़रूर कुछ लोगों को स्कूल में या उसमें कम्युनिटी हॉल में रखा गया है और उनके लिए जो बेसिक अरेंजमेंट्स है वो किए जा रहे हैं। अभी मैं देखने आया था, कल जो पानी काफ़ी ज़्यादा था, 134 या 135 फिट पार कर रहा था, वो आज 132.3 में है, काफ़ी इसमें गिरावट आई है और अभी स्थिति उतनी विकराल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, हमारे पास अपनी जल पुलिस है, SDRF की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमने रखा हुआ है, PAC की फ्लड प्लाटून हमारी तैयार है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने राहत शिविरों में यदि ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनको फर्स्ट एड देना, खाद्य सामग्री, कुछ आज राशन आए भी हैं और भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके पैकेट्स तैयार कराना, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना और क्राइम किसी तरह का ना हो, कोई छीना झपटी ना हो, उन सब के लिए हम लोगों ने अपनी ब्रीफिंग भी कर दी है सभी को। और चूंकि गांव के ही लोग आपस में प्रभावित हैं और उनके सर्वाइवल का अगर इशू कल को आता भी है तो एक दूसरे की मदद ही होगी, यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम फ्रंट पे बहुत इशू होने वाला है। फिलहाल स्थिति संभाल है, बहुत अभी कंट्रोल में है और हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, यहाँ तक कि जो पानी छोड़ा जा रहा है उस पर भी नज़र है। आज भी जैसे इंजीनियर हैं, इनके जो JEE हैं जल विभाग के, उनसे भी बात हो रही है, और अगर कोई ऐसी स्थिति लगती है तो हम अपनी पूरी तैयारी में हैं, किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी से निपट सकते हैं।